Hello students, good morning. Welcome to the online classes of RC Education Harpansur. चलिए start करते हैं बेटा class 11 chapter number 2. Okay? और chapter number 2 में आज हम discuss करेंगे because before that we were discussed about the algae. Okay? Algae की कुछ general features, general characteristics हमने discuss की थी and हमने discuss किया था कि वो सबसे most primitive form of plants है. Understand? जो body है that is thallus like which cannot be differentiated into the root, stem and leaves. Okay? आज हम बात करेंगे बेटा bryophytes. देखिए उसके बाद जो सबसे primitive form of plants मानी जाती है that is thallophyte. But thallophyte के बारे में बहुत कुछ हम discuss नहीं करते हैं. हमारे जो book है उसमें starting है from bryophytes. Okay बेटा? तो bryophytes से बात करते हैं. देखिए bryophytes are known as amphibians of plant kingdom. ये बहुत ही important word है. आपको याद रखना है. आपने इससे पहले amphibia जो word है वो फ्रॉग्स वगैरह के लिए भी पढ़ा होगा बिकॉज वो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहते हैं. तो सेम चीज़ यहाँ पे है बिकॉज दिस प्लांट्स आर लिविंग ऑन द लैंड और इन सोइल बट दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर द सेक्सुअल लाइफ साइकिल. ओके बेटा, मतलब क्या है, रहते तो वो सॉइल में है बट उनको जब अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो उनको वाटर की ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि जो आर्किगोनियम और जो एंथ्रीडियम है, आर्किगोनिया क्या करता है, एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करता है जो कि मेल गैमेट्स हैं और आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट होता है. तो इनकी जो मीटिंग होती है, इनका जो फ्यूज़न होता है वो वाटर की प्रेजेंस में ही होता है. इज दैट क्लियर? यानी जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो वाटर के ऊपर तैरते हुए जाएंगे और उनकी जो है मीटिंग होगी किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ. दैट्स व्हाई इनको वाटर बहुत एसेंशियल है. ओके, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. अब आ जाइए इसके हम जनरल फीचर्स की बात करें. सबसे पहले है देखिए जो बॉडी है वो थैलस लाइक की होती है, थैलोइड. बट एल्गी के कंपैरिजन में कुछ इनमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. इज दैट क्लियर? हालांकि ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स तो नहीं होते बट इनमें स्टेम लाइक यू कैन से दैट रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है. ठीक है? यानी सबसे पहले तो बॉडी कैसी होती है, वही थैलोइड होती है या थैलस होता है. थैलस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब होता है इस तरह से सीधा और प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है इस तरह से जमीन. इज इट क्लियर बेटा? अब बात आती है कि इसमें क्या है, स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. तो रूट लाइक स्ट्रक्चर इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स. क्या बोलते हैं? राइजोइड्स. अब राइजोइड जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. यूनिसेलुलर और मे बी मल्टी सेलुलर. क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया? मॉइस्ट प्लेसेस पे, मॉइस्ट डंप जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा रहना पसंद करते हैं ताकि इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाए और ये अपना बाकी जो काम है वो भी कंप्लीट कर लें. इज दैट क्लियर? ब्रायोफाइट्स में मेनली हम दो कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, लीवरवॉर्ट्स एंड मोसेस. इज दैट क्लियर? लीवरवॉर्ट्स एंड मोसेस, इनके बारे में मेनली हम बात करेंगे. ओके आप देखिए इसके अलावा क्या है, अगर हम बात करें तो बेयर लैंड जो होता है, ठीक है, बेयर लैंड का मतलब है कोई खाली लैंड है वहाँ पे जो प्लांट सक्सेशन का जो काम करता है. सक्सेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई जमीन, कोई प्लेस है, यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं था स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो लाइकेन से होती है. लाइकेन के बाद यहाँ पे मॉसेस ग्रो करते हैं. तो एक तरह से कहने का मतलब है किसी भी बेयर लैंड को अगर वहाँ पे हायर प्लांट्स की ग्रोथ होगी तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो ब्रायोफाइट्स ही करते हैं. इज इट क्लियर? अब अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो देखिए ए सेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ए सेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक तो ये फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन मैंने आपको बताया था जब बॉडी मैच्योर हो जाती है इट कैन बी फ्रैगमेंटेड इनटू पीसेस एंड ईच पीस डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, या बडिंग भी हो सकता है.
गैमे या गैमा, गैमा सिंगुलर है, गैमे प्लूरल है। दरअसल ये एक स्ट्रक्चर होता है जो एक रिसेप्टिकल पे ग्रो करता है और उस रिसेप्टिकल का नाम होता है गैमा कप्स। ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना ही समझिए कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो तीन तरीके से होता है, एक तो फ्रेगमेंटेशन यानी बॉडी फ्रेगमेंट हो गई, दूसरा है बडिंग और तीसरा है गैमा, गैमा गैमा कप्स के ऊपर जो है डेवलप कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो देखिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट बॉडी है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ओके बेटा, देखिए गैमेटोफाइट जो होता है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए गैमेटोफाइट है वो हैप्लोइड है एंड स्पोरोफाइट है दैट इज डिप्लॉइड। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिए गैमेटोफाइट जो है इट प्रोड्यूस गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स प्रोड्यूस करता है इसीलिए इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। और स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन से जायगोट बनता है। इज दैट क्लियर? तो दैट जायगोट डेवलप द स्पोरोफाइट, अंडरस्टैंड? तो देखिए जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है इसकी वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब आप कह सकते हैं तो लॉन्ग लिविंग है। ठीक है, गैमेटोफिटिक जो स्टेज है वो लॉन्ग लिविंग है, काफी लंबे टाइम तक रहती है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। वेयर एज अगर हम स्पोरोफिटिक स्टेज की बात करें तो शॉर्ट लिविंग है, यानी इसकी लाइफ स्पैन काफी शॉर्ट होती है, बहुत कम टाइम की होती है ये, शॉर्ट लिविंग एंड इट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट। किस पे डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है इसके नरिशमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है बेटा, नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स कुछ भी बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी बोल सकते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए स्पोरोफाइट पे डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर? अब अगर हम इसके मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनकी बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं आर एंथ्रोजोइड्स, सॉरी एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ठीक है एंथ्रीडियम। और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज नोन एज आर ईगोनियम। इसके आप चाहे तो सेप भी याद कर सकते हैं, फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क शेप, ठीक है फ्लास्क शेप, यानी इसकी गर्दन होती है लॉन्ग, लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर और उसके ऊपर फिर इसका डेवलपमेंट होता है। फीमेल जो स्ट्रक्चर है आर्किगोनियम वो एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जबकि एंथ्रीडियम है वो एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है और ये एंथ्रोजॉइड्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी ये चल सकते हैं, ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड, ओके बाईफ्लैजिलेटेड का मतलब क्या है, इसके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड बेटा, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करता है, वाटर की हेल्प से तैरता हुआ कहाँ चला जाता है, आर्किगोनियम, जिसकी फ्लास्क शेप नेक लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे, और वहाँ जाके ये सिंगल सेल के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, यानी एंथ्रोजॉइड्स जो है ये वाटर के थ्रू तैरता हुआ कहाँ हो जाता है, एग के पास, और वहाँ पे इसका होता है फ्यूजन, और फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे जो जायगोट जो स्ट्रक्चर है इसके जस्ट बाद मियोसिस नहीं होती है, अंडरस्टैंड? आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है उससे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पे जायगोट में कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है एट दिस स्टेज, नो रिडक्शनल डिवीजन। तो जिससे क्या होता है, ये प्लांट बॉडी बनाता है जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है। इज इट क्लियर? स्पोरोफाइट कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है, ओके। स्पोरोफाइट में लेटर और कुछ साल के अंदर मियोसिस होता है और वो क्या करते हैं, हैप्लोइड
फॉर्मेशन करते हैं जो बाद में फिर से गैमेटोफाइट बनता है। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है ये। इज दैट क्लियर? इसके जनरल फीचर्स ओके। वैसे इसके दो पार्ट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, लीवर वॉर्ट्स एंड मोसेस, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर थोड़ी सी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो देखिए जो ब्रायोफाइट्स है वो एज ए फूड भी यूज होते हैं। स्फैग्नम है एक, स्फैग्नम जो कि मोसेस में आती है। तो स्फैग्नम की अगर हम बात करें तो स्फैग्नम में क्या होता है, एक तो ये एज ए फ्यूल भी यूज होती है, ठीक है, फ्यूल बहुत अच्छा यूज होता है। प्लस क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट है, बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको पता है पैकेट्स के अंदर उनको फ्रूट्स वगैरह को पैक किया जाता है, तो उसके लिए भी स्फैग्नम का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मॉइस्ट वाटर को काफ़ी लंबे टाइम तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बताया गया था कि सक्सेसन, यानी कोई भी बेयर लैंड है और वहाँ पे हायर प्लांट्स को ग्रो करना है धीरे धीरे, तो वहाँ पे सक्सेसन का काम भी है। क्लियर बेटा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट द ब्रायोफाइट्स। अब इसकी जो टू टाइप्स है, मॉसेस और लीवर वॉर्ट्स, उनको कंपेरेबली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।